कराची में मारूफ मुबल्लिग और नाथ खान जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई। मुफ्ती तकी उस्मानी फनकारों, खिलाड़ियों, सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर में जुनैद जमशेद की अहलिया नेहा जुनैद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन कैवलरी कब्रिस्तान में की गई। सानह हवेलिया में जांबाग अफराद की मैयतों की हवालगी का अमल जारी। शनाख्त की जाने वाली मैयतें वुस्ता के सुपुर्द। 14 मैयतें कोल्ड स्टोरेज में शनाख्त की मुंतजर। वजीर आजम नवाज शरीफ का एक बार फिर 2018 में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान। कहा, जब तक सांस में सांस है मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। घबराने वाला नहीं, हम घबरा गए तो कौम किधर जाएगी। वजीर आजम नवाज शरीफ का इस्लामाबाद में एक्सपोर्ट अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। आपको किसने कहा कि मैं घबरा गया हूं? आपका साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला भी साथ है, तो घबराने वाला तो मैं नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह। 2008 से 13 तक रोजाना नया स्कैंडल सामने आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। धरना करके कौम का वक्त जाये करने वालों से लोग पूछें कि आपने पाकिस्तान के लिए कोई काम क्यों नहीं किया। वज़ीर आज़म की मुखालफीन पर तंकीद। कौमी असेंबली का इजलास आज फिर होगा। पानामा लीक्स के मामले पर आज भी हंगामा आराई मुतवक्के। गुज़श्ता रोज स्पीकर ने वज़ीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन की दोनों तहरीक मुस्तरद कर दी थी। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की समाअत। कौम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिद्दत से इंतजार है। ये फैसला करप्शन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। नई मुलहक पर उम्मीद। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट में फंसी है, अब हम उन्हें सड़कों पर भी फंसाएंगे। फवाद चौधरी का ऐलान। कल इस्लाम अली को डी चौक बनाने की कोशिश की गई। कुछ नाचते रहे, कुछ हुल्लड़ मचाते रहे। डी चौक को गन से साफ किया, असेंबली को भी करेंगे। तलाल चौधरी की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। रुकने सूबाई असेंबली कामरान फारूक को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मसला कश्मीर के पुनर्हन के लिए पाकिस्तान को बरतानिया का साथ मिल गया। बरतानवी वजीर आजम ने कश्मीर के मामले पर भारतीय हमनसब से बात भी की है। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात की मजार इकबाल पर हाजिरी। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का सिलसिला ताहाल जारी है। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ आउटडोर डिपार्टमेंट में काम बंद। इलाज के लिए आए मरीजों का पुरसाने हाल कोई नहीं। इंतजामी उमूर संभालने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 40% हिस्से की नीलामी आज होगी। बरतानिया और चीन समेत कई गैर मुल्की स्टॉक एक्सचेंजेस और मालियाती इदारे खरीदारी के ख्वाहिशमंद।